हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस तरह आप अपने प्लाजो पैंट की स्टिचिंग कर सकते हैं। तो ये नैरो प्लाजो पैंट है और इसकी मेजरमेंट और कटिंग के लिए मैंने पहले वीडियो बनाया था, मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हैं। तो अब कटिंग के बाद हम इसको सिलेंगे कैसे, उसकी हम आज ट्यूटोरियल देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसको स्टिच देंगे और आसन का जो एरिया होता है, क्रॉच एरिया, इसे सिलेंगे। तो दोनों तरफ दोनों पैरों को हम यहाँ से सिल लेते हैं पहले। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने स्टिच दे दिया है दोनों पैरों में और अब हम इसे खोलेंगे तो ये कुछ इस तरह लगेगा। तो ये बैक साइड है और ये वाला फ्रंट साइड है। तो इस तरह सीधे को सीधे की तरफ इस तरह फेस करते हुए हम लगाएंगे, इस तरह रखेंगे एक दूसरे के ऊपर और अब साइड से स्टिच दे देंगे। ये जो बाहर का हिस्सा है पैरों का, यहाँ पे हम सिलाई देंगे। तो ये देखिए, दोनों तरफ मैंने सिलाई दे दी है, बाहर के पैर हमारे सिल चुके हैं। अब हम नीचे का ये जो बॉटम पार्ट होता है, इसे फोल्ड देके सिलाई देंगे। तो ये मेजरमेंट के टाइम पे हमने 2 इंच का यहाँ पे गैप छोड़ा था फोल्ड के लिए, उस 2 इंच की लाइन पे हमें इस तरह फोल्ड देना है पहले और फिर एक छोटा सा इस तरह फोल्ड देते हुए स्टिच देना है दोनों पैरों में। और जब ये स्टिच हो जाएंगे तो इन्हें हम इस तरह रख के इनर लेग्स की स्टिच देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने नीचे की तरफ प्लाजो पैंट में स्टिच दे दी है। अब हम इसे इस तरह फोल्ड करेंगे और अंदर की तरफ स्टिच देंगे। तो 1 इंच का गैप छोड़ते हुए पैरों के नीचे की तरफ से हम शुरू करेंगे सिलाई और स्टिच देते हुए ऊपर की तरफ आएंगे, जो हमारा आसन का एरिया है, क्रॉच एरिया, वहाँ तक। ये देखिए, हम यहाँ अपने आसन के एरिया में पहुँच चुके हैं, यहाँ तक हमें स्टिच देनी है और यहाँ पर हमें अपनी स्टिच को ख़त्म करना है। तो यहाँ पे ये देखिए, इस तरह हम स्टिच को ख़त्म करेंगे। एक साथ हमें स्टिच नहीं देना है, दूसरे पैर में नहीं जाना है। तो ये देखिए, अब मैं दूसरे पैर को सिलाई दूंगी। तो अगेन हम नीचे से ही सिलाई शुरू करेंगे। तो इसका एक तरीका ये भी है कि आप यहाँ पे जितना भी आपने अपने मेजरमेंट के टाइम पे ओपनिंग दी थी वो यहाँ पे आप मार्क कर लीजिए। जैसे कि मैंने 6 इंच की ओपनिंग दी थी, तो ये देखिए मैंने यहाँ 6 इंच पर निशान लगाया और अब मैं यहाँ से स्टिच शुरू करूँगी। तो इस तरह आपकी जो ओपनिंग है वो बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट के हिसाब से आएगी। तो ये देखिए, मैं ऊपर की तरफ स्टिच दे रही हूँ और यहाँ क्रॉच एरिया में अगेन मैं पहुँच के अपनी स्टिच को ख़त्म करूँगी। तो ये देखिए, हमारी इनर लेग्स की भी स्टिच हो चुकी है। अब हम बेल्ट पूरा करेंगे। तो बेल्ट के लिए ये हमने 2 इंच का गैप दिया था मेजरमेंट के टाइम पर। तो इस 2 इंच की जो लाइन हमने बनाई थी, यहाँ पे हमें फोल्ड देना है। एग्जैक्ट इस 2 इंच की लाइन पे हमें इस तरह फोल्ड देना है और नीचे वाले कपड़े को एक छोटा सा फोल्ड देते हुए स्टिच देना है, बिल्कुल साइड साइड में। तो इस जगह पे आप अपनी इलास्टिक भी डाल सकते हैं या फिर नाड़ा भी डाल सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे वो आप डाल सकते हैं। तो मैं ये नाड़े वाला बना रही हूँ। तो सबसे पहले बीच में हम 1 इंच का गैप देंगे, क्योंकि नाड़ा और कोई भी चीज़ इलास्टिक डालने के लिए हमें बीच में गैप की ज़रूरत पड़ेगी। तो 1 इंच का गैप देंगे सेंटर में और फिर हम सिलाई शुरू करेंगे। पूरी कमर में हमें इसी तरह सिलाई देनी है, जो 2 इंच की लाइन दी है बस वहाँ से फोल्ड करना है और नीचे की तरफ एक छोटा फोल्ड देते हुए बिल्कुल साइड साइड में सिलाई दे रही हूँ मैं, आप देख सकते हैं। इस तरह साइड साइड में हमें सिलाई देते हुए जाना है और ये देखिए, हम इस 1 इंच की निशान तक पहुँच गए हैं। यहाँ हम अपनी सिलाई को ख़त्म करेंगे और इस तरह हमारा कमर भी पूरा हो गया है, वेस्ट एरिया भी पूरा है और ये हमारा प्लाजो पैंट बनके तैयार है। ये देखिए, ये नीचे की ओपनिंग है, बहुत ही ब्यूटीफुल बनके आया है और ये अंदर वाली सिलाई है और ये कमर का भाग है, वेस्ट लाइन भी पूरी है। इस तरह हमारा प्लाजो पैंट बनके तैयार है। आप देख सकते हैं इसे बनाना कितना आसान था। अब आप इसमें एक अच्छा सा प्रेस दीजिए, क्योंकि प्रेस करने से एक अच्छी फिनिशिंग आ जाती है और आपका प्लाजो पैंट पहनने के लिए तैयार है। तो ये नैरो प्लाजो पैंट का मेजरमेंट, कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो था। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए, पहनने के बाद इसकी फिटिंग कुछ इस तरह आती है, ऊपर से ये इस तरह लगेगा, बहुत ही ब्यूटीफुल और
क्लीन फिटिंग बन के आई है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपका प्लाजो कैसा बना। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टाग्राम में ज़रूर फॉलो करें। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।